मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा इज एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस मेसोथेलियोमा कराता है, ठीक है। फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग देर इज़ ए कम्पेंसेशन बाय विच मैकेनिज्म, ठीक है। अब सिटिंग से हम ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है, तो इंक्रीज इन टीपीआर। तो हम जैसे ऊपर उठेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप होगा। तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने से ब्लड रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, वो क्या करेंगे, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करेंगे। सिंपैथेटिक एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, हमारा वो क्या कहते हैं, हार्ट रेट बढ़ाएंगे ठीक है। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो ना डिक्रीज होता है ना, जैसे ही हम सपोज़ बैठे हैं नीचे, तो जल्दी ऊपर उठते हैं ना, हमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो कम ब्लड प्रेशर होने की वजह से ब्लड रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, ये ब्लड रिसेप्टर जाके हार्ट की क्या कराते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग है, तो वो कह रहे हैं कि कोर्डा टेम्पेनी लेके जाती है फिशर ना, कौन से फायदा, तो टेस्ट स्पेशल होते हैं, ठीक है, तो कौन से स्पेशल, विसरल सेंसेशन होती है इसीलिए, ठीक है। सोमेटिक मोस को कहते हैं जनरल सेंसेशन को, ठीक है, तो स्पेशल विसरल मतलब आर्गन, टंग आर्गन है, तो आर्गन की स्पेशल सेंसेशन है जो टेस्ट सेंसेशन है, वो टू थर्ड कोर्डा टेम्पेनी लेके जाती है, ठीक है। एस्प्रिन का ओवरडोज़ है, क्या कराएगा हमें, तो पता है क्या कराता है, एल्कलोसिस कराता है। एल्कलोसिस क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, तो अक्यूट में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कराता है कौन, एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी। ब्लड सप्लाई अपर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस, तो कौन सप्लाई करेगी, इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी, एंड लोअर थर्ड को कौन सप्लाई करेगी, गैस्ट्रिक आर्टरी, जो उसकी वो ईसोफेगियल आर्टरी जो एरोटा से आते डायरेक्ट, ठीक है। तो अपर वन थर्ड को कौन सप्लाई करेगी, इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी। पेशेंट पेटेंट स्टिमुलेटर फॉर एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, पोटेंट है। एरिथ्रोपोएटिन को क्या एक्टिवेट करता है ज़्यादा, हाइपोक्सिया इज ए पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर एरिथ्रोपोएटिन रिलीज, ठीक है। डायबिटिक लेडी ऑपरेटेड फॉर कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, अब कोलिसिस्टेक्टमी की सर्जरी की है इसकी, ठीक है। आफ्टर सर्जरी इसको डिस्निया हो गया, सडन चेस्ट पेन है, हेमिप्टोसिस एंड साइनोसिस है। तो हमेशा सर्जरी में क्या करते हैं, पेशेंट को लेटा दें 2-3 घंटे, ठीक है। जब भी हम इमोबिलाइज करेंगे ना, इमोबिलाइज करेंगे पेशेंट को, मूवमेंट नहीं करेंगे, एनी काज, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे सर्जरी हो, कोई भी हो, सर्जरी पे तो ऐसे ही रिस्क है, दो तीन दिन पेशेंट को सोना पड़ता है एक जगह, ठीक है। तो उसके बाद वो डीवीटी बन जाती है, तो ये डीवीटी ऊपर जाके लंग्स में जाके क्या कराती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला पेन होगा, इसको सडन पेन होगा, हेमेप्टेसिस एंड साइनोसिस प्रेशर करेगा, ठीक है। तो पल्मोनरी इसको एम्बोलिज्म हो चुका है सर्जरी के बाद। मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट अकर्स इन आईवी ड्रग अब्यूज़र, मोस्ट कॉमन कंडीशन जो आईवी ड्रग अब्यूज़र में क्या होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती कैसे, स्किन के ऊपर फिलोराज होते हैं, स्टेफोरियस वाले, ठीक है। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन के साथ ही अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, फिर ब्लड से जाएंगे हार्ट के पास, वहाँ कराएंगे क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज आईवी ड्रग अब्यूज़र, ठीक है। अब ये पेशेंट इमरजेंसी रूम में आया है, ठीक है, सफर्ड सीवियर हेड ट्रॉमा है इसको, मोटर एक्सीडेंट हुआ है, रेडियोग्राफिक स्टडीज़ ऑफ हेड में बेजिलर फ्रैक्चर्स मिला है इसका, फोरामिन ओवली चली गई है, जस्ट कुछ ही नहीं था सिनेरियो में, बस ये था फोरामिन ओवली चली गई, तो क्या होगा, लोअर वन थर्ड अफेक्टेड होगा, ठीक है, ठीक है। लोअर वन थर्ड हमारा फेस है ना इसकी, वो चली जाएगी, कह रहा फंक्शनल लॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंजरीज, ठीक है, क्या रिलेटेड इंजरी, तो लोअर वन थर्ड ऑफ फेस की सेंसेशन चली जाएगी, ठीक है, लोअर वन थर्ड ऑफ अफेक्टेड फेस चला जाएगा। रिगार्डिंग स्मूथ मसल विच इज ट्रू, ठीक है, ये सस्टेन एंड स्लो कॉन्ट्रेक्शन है, स्मूथ मसल स्लोली कॉन्ट्रेक्ट करती है, क्योंकि बेचारी होती छोटी है इसलिए सस्टेन कंटिन्यू करेगी पर स्लो कॉन्ट्रेक्शन करती है, कंटिन्यूसली है क्योंकि ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ा है, इसको सस्टेन कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्ट करना पड़ता है, पर स्लोली कॉन्ट्रेक्ट करती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्डियक एंड उसके स्केलेटल मसल के, ठीक है। अब इसको पेशेंट को रिनल फेल्योर है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाई है एनीमिया की वजह से, वो चाहे द फॉलोइंग ये हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, तो एरिथ्रोपोएटिन दे दो क्योंकि रिनल फेल्योर है पेशेंट को, एरिथ्रोपोएटिन है नहीं, आरबीसी बन नहीं रहे, इसलिए बाहर से एरिथ्रोपोएटिन दे दो, उसका रिनल फेल्योर सही हो जाएगा। फिशरमैन फ्रॉम सिया ट्रेवल, ठीक है, फिशरमैन है, अब इकाइमोसिस है, गम में ब्लीडिंग है, गम ब्लीडिंग है, तो मोस्ट कॉमन इकाइमोसिस क्या होता है, वाइटामिन सी, क्योंकि वाइटामिन सी चाहिए हमें कोलेजन बनाने के लिए, एंड कोलेजन नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल होगी इसलिए ब्लीडिंग होगी, ठीक है। गम ब्लीडिंग इज ए कॉमन
साइन या वो कहते हैं सिम्टम्स वाला स्कर्वी या हेपेटाइटिस सी डेफिशिएंसी। फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड कौन सप्लाई करता है? सेरिबेलम नहीं, फाइन मूवमेंट कार्टिको स्पाइनल करता है, ठीक है, फाइन मूवमेंट कार्टिको स्पाइनल, सेरिबेलम नहीं, ए ऑप्शन। प्रेग्नेंट हाइपरथायरॉयड लेडी है ड्यूरिंग हर फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड थायरॉयड टॉक्सिकोसिस, विच एंटी थायरॉयड ड्रग्स देंगे, ठीक है, फिफ्थ वीक में है तो हम देंगे क्या, फिफ्थ में ना तो फिफ्थ में हम कौन से देंगे, मिथामिजोल है, ठीक है, फिफ्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ तो सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो ठीक है हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद मिथामिजोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम अब ऐसा होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो देनी चाहिए प्रोपाइल थायरेसिल, ठीक है, उसके बाद देनी चाहिए मिथामिजोल। तो हमारे पास ये फिफ्थ मंथ में आया है, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिथामिजोल लाएंगे। ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर, ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर क्या बताता है हमें, डिग्री ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर क्या बताएगा हमें, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, कि कितना ट्यूमर डिफरेंशिएट हुआ या नहीं, ये ग्रेडिंग बताएगी हमें।